आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने आसाम को बुलाई बैठक। बैठक के दौरान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और राज्यसभा चुनाव के लिए एआईसीसी प्रभारी, राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी इस साल वाटर टैक्स बढ़ा सकती है। पिछले दो वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण कर की वृद्धि नहीं की गई। बीएमसी 6-7% तक कर की बढ़ोतरी करेगी। पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कानून की उठी मांग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी की चिट्ठी। ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की पूजा करने की मांग पर सुनवाई आज। अविमुक्तेश्वर आनंद ने दाखिल की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस के अंदर बैंक में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर किया गया काबू। मानसून से अब नहीं भरेगा पानी। केजरीवाल सरकार ने तैयार किया नया एक्शन प्लान। दिल्ली में नहीं भरेगा पानी। आरएसएस दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। यूपी एटीएस की जानकारी पर तमिलनाडु पुलिस ने दबोचा। कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है भारत में। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,714 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। नवनीत राणा केस में संसदीय समिति ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को किया तलब। दिल्ली, जम्मू और मुंबई जाने वाले यात्री जान ले, ट्रेनों में भारी भीड़ के चलते, वेटिंग के चलते टिकट मिलना बंद। सलमान खान को धमकी भरा खत भेजने की बात से लॉरेंस बिश्नोई ने किया इनकार। कहा, मैं नहीं जानता किसने भेजा पत्र। पैगंबर पर बयान, नूपुर शर्मा को मुमरा पुलिस का समन। 22 जून को होना होगा हाजिर। देश में कोरोना वायरस की महामारी के नए मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,714 नए मामले आए सामने और 1,100 सक्रिय मामले बढ़े लगभग। देश की पहली बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि उन्हें यकीन है 2026 तक गुजरात के सूरत और बिलमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। ओवैसी का बड़ा बयान, राज्यसभा चुनाव में समर्थन चाहिए तो हमसे संपर्क करें महाविकास अघाड़ी के नेता। रेप और हत्या की धमकियां मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा को मुहैया कराई सुरक्षा। नीतीश का ऐलान, बिहार के बाहर रहने वाले लोगों का भी होगा गणना। सभी वर्ग के बेहतरी के लिए करेंगे काम। मुंबई में कब होगी बारिश? महाराष्ट्र में कब पहुंचेगा मानसून? एक वार्षिक अनुष्ठान। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मुंबई में मानसून की शुरुआत की तारीख 11 जून निर्धारित की है और कहा कि शहर के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। सबसे पहले हालांकि यहां कोंकण और गोवा क्षेत्रों में पहुंचेगा मानसून। मानसून पहले ही कर्नाटक में आ चुका है और 15 जून के बाद मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में इसके तेज होने का अनुमान है। IMD मुंबई के एक अधिकारी ने कहा कि मानसून कर्नाटक के कारावार पहुंच गया है और हम वर्तमान में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मुंबई पहुंचने से पहले हम इसके दक्षिण कोंकण और गोवा में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं। IMD के हिसाब से मुंबई में 11 जून तक बारिश हो सकती है और 15 जून तक मुंबई के कई इलाकों में भी बरसात होगी। IMD के हिसाब से मुंबई में 11 तारीख के बाद ही बारिश होगी। मुंबईकरों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, बृहन मुंबई नगर निगम यानी BMC इस साल वाटर टैक्स यानी जो पानी पट्टी आता है उसका टैक्स जो कर है वो बढ़ जाएगा इस साल। पिछले दो वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण कर यानी टैक्स में वृद्धि नहीं की गई है। BMC पानी उपलब्ध कराने के खर्च की समीक्षा कर रही है, उसके बाद सटीक प्रतिशत तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस साल 6-7% की बढ़ोतरी होगी। हाइड्रोलिक विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक हम वाटर टैक्स
पर काम कर रहे हैं। 2-3 दिन में हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि इस साल टैक्स बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इस साल टैक्स 6-7% तक की बढ़ोतरी होगी टैक्स में। मुंबई करों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। 6-7% टैक्स जो वाटर टैक्स है उसका बढ़ जाएगा। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें मेट्रो सिटी समाचार में। आपके चरणों में नमन करते हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यदि नरसिंह सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना आलिम फाजिल लोग आए होते हैं, लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नूपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है, ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी है, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए, और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं, मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है, कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंह नारायण गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नूपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। फाइल्स फिल्म आने के बाद देश में एक बार फिर से